तो आज हम ईथर्स की नेमिंग देखेंगे, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो मैं एक कंपाउंड लेने लगा हूँ, ये इसका पहले हम कॉमन नेम लेंगे और अब ये इसका आईयूपीएसी नेम लेंगे। तो अब फोकस करिए ऑक्सीजन की दोनों साइड, एक साइड इथाइल है और ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो आप पहले अल्फ़ाबेटिकली इथाइल लिखिए क्योंकि ई पहले आएगा इस कंपाउंड के कारण, और फिर ये ग्रुप मिथाइल है और बीच में जो ऑक्सीजन बचा है इसको हम ईथर बोलते हैं, इथरियल ऑक्सीजन। तो आईयूपीएसी नेम में दोनों कार्बन्स अल्फा हैं, बट वो वाला अल्फा कंसीडर करना है जहाँ पे लंबी चेन है। तो ये बन गया मिथॉक्सी और इथेन। तो ये आईयूपीएसी नेम है, आपने इस तरह से ईथर के नेमिंग करनी है।